हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस प्लस पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो है आपका फंडामेंटल राइट। कल के लेक्चर में मैंने आपको सारी भूमिका के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन पूरा, की विशेषताएं क्या है, मूल अधिकार का इतिहास क्या है भारतीय संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में क्या इतिहास है, मौलिक अधिकारों का जिक्र क्या, 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसी पर हुआ था या उससे पहले भी हुआ था, इन तमाम चीजों पर कल हमने बहुत अच्छे से विधिवत बात किया है। यानी अगर कल का लेक्चर आप देखते हो तो चाहे आप यूपीपीसीएस को लेकर टारगेट कर रहे हैं या कोई भी अदर आपका स्टेट है जहां पर उसकी परीक्षाओं को आप देने जा रहे, तो कल वाला लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। बहरहाल मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं उनमें ऐसे पॉइंट जरूर आपको मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ, ये चीजें अभी हमने नहीं सीखी है या नहीं पढ़ी है। इसीलिए सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है जिन आधारों पर मैं आपके साथ लगातार इन सारे लेक्चर्स को दे रहा हूं। पॉलिटी के सिलेबस छोटा सा है, लेकिन अगर इन चीजों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको कभी भी यह जरूरत नहीं आएगी कि अच्छा पॉलिटी पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। फिर से, क्योंकि इतनी डीपली समझ के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि यहां से अगर अच्छा प्रश्न लोक सेवा आयोग आपको उलझाता भी है तब भी आप उनके जवाब दे ले जाओगे। मैं दोनों चीजों को ध्यान में रखकर, जो लोग अब छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं की, जो लोग लेक्चर देखते हैं, भैया आप भी स्पष्ट रूप से यह जान लीजिए कि अब कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं रह गई जहां बहुत साधारण से सवाल पूछे जाते हों। अब हर एक में आपकी समझ के अनुसार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से अच्छा अपडेट रखना है अपने आप को, ठीक है। इसलिए सारे लोग लेक्चर बहुत ध्यान से देखा करिए। तो चलिए, ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत। इस समय जो आपको वीडियो जिसके लिए उपलब्ध हो रही वो जीएस प्लस हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो भैया सारे लोग वीडियोज निःशुल्क लाभ उठाते रहिए इस लॉकडाउन के टर्म में। बाकी कोचिंग वगैरह देखिए कब ओपन होती है, फिर से ऑफलाइन बैच में आप कब जाते हैं, उससे बेस्ट ऑप्शन है। इस समय सारी चीजें मिल रही हैं तो उसको ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं जो है बना पा रहे या नहीं बनाना चाह रहे या समय बचाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप, हम जो क्लास करते हैं उस क्लास की पीडीएफ भी देते हैं, तो आप पीडीएफ जो है सब्सक्रिप्शन ले लें। और हर एक की क्विज भी होती है, तो जो सब्सक्रिप्शन आपका है पीडीएफ के लिए वो 3 महीने के लिए 499 रुपए का है। इसको आप ले करके, ठीक है, 3 महीने तक निश्चिंत हो जाएं और हर एक क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी जो प्रिंटेबल फॉर्म में होती है, आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। हम बाद में जितने सिलेबस होंगे उनको कवर करेंगे ही करेंगे। बाकी कुछ भी आपको चाहिए, हमारे नोट्स मान लीजिए चाहिए किसी सब्जेक्ट के, ठीक है, तो इन सारे नंबर्स पर, 3 नंबर आपके सामने हैं, उनमें से किसी भी समस्या के लिए, किसी भी चीज की जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे प्लान जानना है तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए parikshaplus.org पर, वहां पर भी सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज जो हम आपको जो है जिन मुद्दे पर अवगत कराएंगे, तो फंडामेंटल राइट, कल हमने बेसिक सारी चीजों को जाना, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो ये जानना है कि फंडामेंटल राइट में, कल मैंने आपको बताया कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो इसको, भारतीय संविधान का पार्ट 3 यानी भाग 3, और इसमें अनुच्छेद आपका प्रारंभ होता है कौन सा, अनुच्छेद आपका 12 प्रारंभ होता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपका जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो आज हम अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। वैसे आप लोग पढ़ने की आदत क्या डाले हैं, अनुच्छेद 14 से डाले हैं आदत, और 14 से लेकर के शुरू करते हैं और 32 पढ़ के खत्म कर देते हैं। आप ना अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं, ना 13 पढ़ते हैं, ना अनुच्छेद 31 के बारे में जानते हैं, ना आपको अनुच्छेद 33 पता है, ना 34 पता है, ना 35 पता है। बस आप फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में क्या लिखा गया इतने से मतलब रखते हैं। उस समय भी थोड़ा सा अच्छा अगर प्रश्न पूछ लिया तो वहीं चारों खाने चित्त होके आप गिर जाते हैं। आज वो दशा आपकी ना हो इसके लिए मैं जिन चीजों की कोई बात कर रहा हूं उनको बहुत अच्छे से देखिए। पहले जो मौलिक संविधान थे, वो मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, उनकी संख्या 7 थी। संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार की संज्ञा में रखा गया था, लेकिन बाद में जब संपत्ति के अधिकार में गवर्नमेंट को बहुत दिक्कतें आना प्रारंभ हो गई, ठीक है, तो इसका संविधान संशोधन किया गया और इसको मूल अधिकारों से हटाया गया। अब इसको संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बनाया गया है, विधिक आपका अधिकार है, तो उन सभी पर भी हम बातें करेंगे।
तो सबसे पहले आर्टिकल 12 हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि अनुच्छेद आपका 12 है क्या, अनुच्छेद 12 में क्या चीजें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 12 में एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है स्टेट को, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी एक राज्य क्या है। यहां राज्य का संदर्भ आपका एक कंट्री से है, ठीक है, आपका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश हो गया, एक कंट्री से हो गया राज्य का मतलब। तो अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में परिभाषित किया गया है, क्योंकि मूल अधिकारों को आपको राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। तो राज्य क्या होंगे, हम किनके खिलाफ मुकदमा लड़ने जाएंगे, कौन हमारा हनन करेगा, तो हम कहेंगे ये राज्य मेरा अधिकार छीन रहा। तो इसी चीज को सबसे पहले ठीक है डिफाइन करने के लिए हमें अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है, आप किसके खिलाफ अपने मूल अधिकारों को जानोगे, मूल अधिकारों को मानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य में देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बात करता है, भारत राज्यों का संघ है, वह सारे राज्य तो आपके राज्य ही हैं, उनके साथ ही साथ हर एक प्रदेश की जो सरकार है वह भी एक राज्य है, प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके अलावा जितने भी आपके सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, वह सब भी राज्य होते हैं, यानी वो भी आपके मौलिक अधिकारों का कहीं से भी हनन नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत यह नहीं कि सिर्फ भारत देश, राज्य का मतलब कि आप उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में रहते वो सब राज्य वहां हो गए। ठीक है, राज्य का यह मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हम मुकदमा करेंगे, राज्य का मतलब कि कोई भी सरकार की संस्था जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं, अगर उसने ऐसा कोई कार्य किया जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो आप उस संस्था के विरोध में क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे, क्योंकि उसने आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया। और वह सरकारी जो संस्था है, वह सरकारी संस्था एक राज्य है, समझे। तो राज्य की परिभाषा बहुत व्यापक है, इन्हीं चीजों पर मैं और आगे आपसे विधिवत परिचर्चा करता हूं, इन पर ध्यान दीजिए। देखिए अनुच्छेद 12 में जो आपकी परिभाषा दी गई, आपसे सीधा सीधा पूछता है कि राज्य किस में परिभाषित है, तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। इसमें यह कहा गया कि राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं, सभी स्थानीय व अन्य अधिकारियों के भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में जो कुछ आए वह राज्य है, समझे। राज्य के अंतर्गत इसने यह बोला कि राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं, सभी स्थानीय या अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में दर्शाता है, यही राज्य है। सरकारी निकाय जितने भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वह सब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य है। अगली चीज, पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित निकाय यानी कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके बने हैं जो कानून बनाने की शक्ति से निहित हैं और भारत के संविधान द्वारा बनाए गए हैं, इनको भी राज्य के दायरे में शामिल किया गया है। मतलब नए अगर संस्थाएं बन रही जो कानून बनाने का कार्य कर रही, तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। जैसे भारत के राष्ट्रपति और कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, यह भी राज्य हो गए। आयकर विभाग की तरह सरकार के सभी विभाग आपके राज्य के अंतर्गत हैं। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की तरह सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था राज्य होगी। LIC और ONGC जो सरकारी या संप्रभ कार्यों के समान कार्य करते, यह भी एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका पंचायत अगला ध्यान दें, नगर पालिका पंचायत और अन्य समान स्थानीय प्राधिकरण, जो आपकी नगर पालिका है, आपकी पंचायत है गांव की, ग्राम पंचायत, और जितने भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण हैं, कानूनों के नियम बनाने वाले और लागू करने की शक्ति के साथ जो कुछ भी संस्थाएं हैं, वह सब राज्य हैं, यानी नगर पालिका भी राज्य है, वह भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। ठीक है, समझ गए। कोई भी अन्य संगठन जो सार्वभौमिक कार्यों का संचालन करते हैं, सभी के लिए सुविधाएं, आपके सभी के कार्यों को क्या करते, संचालन करते, वह राज्य हैं। ठीक है, वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कहीं नहीं कर सकते। अगली चीज, सरकार ने के वित्त पोषण ने सार्वभौमिक कार्यों के साथ साथ एक संगठन की स्थिति को भी निर्धारित किया। सरकार एक सांविधिक और गैर सांविधिक संस्था दोनों के लिए एक राज्य के रूप में
कहा जाने वाला एक व्यापक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मतलब अगर वह संविधान में उल्लेखित कोई संस्था है या संविधान में उल्लेखित कोई संस्था नहीं है, तब भी दोनों में नियंत्रण अगर वह सरकार के कार्यों को कर रही तो उसे राज्य की परिभाषा के अधीन लाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर वह पब्लिक से डील करेगी और पब्लिक से डील में कहीं भी लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। समझ गए? ऐसे विद्युत बोर्ड है और आईडीबीआई जैसे वैधानिक जो निकाय हैं एक राज्य माने जाते हैं। एनसीईआरटी के रूप में सरकार का वित्त पोषण पर्याप्त नहीं है और इस तरह सरकार का नियंत्रण व्यापक नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी राज्य के अधीन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका को कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि विचारधारा यह है कि चूंकि न्यायपालिका के पास कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है तो उसे एक राज्य माना जाना चाहिए। चूंकि किसी गलत फैसले से एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता, इसलिए अदालतों के अनुचित निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के परीक्षणों के अधीन है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के परीक्षणों के अधीन किसके? जो अनुचित निर्णय होते हैं किसी भी न्यायपालिका के, वह इसके अंतर्गत डील किए जाते हैं। अगली चीज, किसी भी वैधानिक लीगल या गैर सांविधिक निकाय यानी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है पर सरकार की एकमात्र नियामक शक्ति से एक राज्य के रूप में समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। संबंधित निकाय को आर्थिक रूप से कार्यात्मक और प्रशासकीय एवं व्यापक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। यानी राज्य की परिभाषा में सरकार के द्वारा ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर सरकार अगर केवल वित्त पोषण कर रही, मान लो उनको चलाने के लिए मंथली कुछ पैसे दे रही, तो वहां उनको राज्य के तौर पर हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब सरकार किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को पोषित करती है जिसमें वो क्या करती है, आर्थिक रूप से कार्यात्मक और प्रशासकीय एवं व्यापक रूप से सरकार अगर उस इंस्टीट्यूशन के लिए कार्य करती, तब वह राज्य की श्रेणी में आएगा। तो उम्मीद है अब आप राज्य समझ गए होंगे। अब हम अनुच्छेद जो है 13 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में जो है राज्य तो आप समझ चुके हैं। अनुच्छेद 13 आपका बोलता है कि अगर राज्य जो ऊपर बात किया गया ये किसी ऐसे कानून का निर्माण करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करते, तो वह कानून जैसे ही बनेगा वैसे ही वह कानून नंजीरो होगा। नंजीरो का अर्थ कि शुरुआत से ही या जो है मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने की सीमा तक वह शून्य होगा। मतलब उस कानून का फर्क किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर कितना पड़ता है, तो जितना पड़ता है उतना तक वह जीरो हो जाएगा, यानी वह कानून माना नहीं जाएगा। यह अनुच्छेद 13 डील करता है इससे। समझिए कैसे, संविधान अनुच्छेद 13 के माध्यम से ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो। अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हैं और ऐसे किसी भी कानूनी को शून्य घोषित करता जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करते हो या इनके साथ असंगत हो। यानी मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि अगर आएगी तो वह विधि आपकी शून्य होगी, यानी लागू नहीं होगी। समझ गए, यह अनुच्छेद 13 बोलता। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा यानी ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है। अब यहीं पर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मान लीजिए कभी प्रश्न घुमा के पूछे कि ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए कौन सा आपका संवैधानिक आधार मान सकते हैं, तो वहां आर्टिकल 13 आएगा, क्योंकि यहां उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता कि वह संविधान पूर्व कानूनों की व्याख्या करें और यह तय करने का अधिकार भी देता कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत हैं या नहीं। ठीक है, इन चीजों को परिभाषित किया जाता है, यह सब कुछ आपके आर्टिकल 13 में बताते हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, विधि की परिभाषा भी बताता है कि लॉ क्या है। ठीक है, विधि यानी कानून यानी लॉ, समझिए विधि का अर्थ है कोई भी अध्यादेश या आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। विधि क्या है, विधि के अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं, ये सभी कानून हैं, तो इन किसी के भी माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। समझ गए, बहुत अच्छे से आपको
चीजें पता हुई होंगी। ध्यान दें, अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया गया। भारतीय न्यायपालिका के पास सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, करने के लिए ही नहीं, साथ ही साथ विधायी सक्षमता, यह शब्द जो आया मतलब उसको कानूनी रूप से सक्षम बनाने के सवाल पर भी मदद ली जा सकती। कहां? अनुच्छेद 13 की न्यायपालिका वहां मदद ले सकता है, और जहां मुख्य रूप से केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ का प्राधिकार का प्रश्न उठता है वहां पर अनुच्छेद 13 का मदद कौन लेगा? उच्च न्यायालय और आपके सुप्रीम कोर्ट लेंगे, उच्चतम न्यायालय लेंगे। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 की ओर। समानता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14 आपके समानता के अधिकारों का वर्णन करता है, ठीक है, कि कानून के समक्ष समता के बारे में परिभाषित करता है। अब यह चीज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन कानून के समक्ष समता यहां अर्थ दूसरा है, ठीक है। जो अनुच्छेद 14 में बात कही गई है वह बात यह कही गई है कि भैया सारे लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, लेकिन अगर हम विद्यार्थी वर्ग है तो विद्यार्थी वर्ग में सारे विद्यार्थी बराबर होंगे, अधिकारी वर्ग है तो अधिकारी वर्ग में सारे अधिकारी बराबर होंगे, ठीक है। अगर अधिकारी के अलावा कर्मचारी वर्ग है चपरासियों का, तो उस चपरासी ग्रुप में सभी बराबर होंगे, अधिकारी और चपरासी सब एक साथ नहीं मिला होंगे। मतलब हर एक व्यक्ति जो अपने संवर्ग में है उस संवर्ग में वह सब बराबर होंगे, इसका यह भी एक अर्थ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के तहत बहुत सारे लोगों को छूट भी मिलती है। अब राष्ट्रपति अपने जब तक चेयर पर बैठा है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, वहां तो वो कानून किस जो है अंतर्गत नहीं आया। कोई भी राज्यपाल है, विधायक है, सांसद है, आपको अनुमति लेनी पड़ती है तब उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं। यहां तो कानून के समक्ष समता वाली चीजें चली गई, उसे कुछ ना कुछ सुप्रियोरिटी दी गई, तो वो चीजें यहां पर क्या है, यह जो संविधान अपना है, संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के कटाक्ष भी हैं, तो इसको समझिए। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के नजर में सभी बराबर और कानून की समान सुरक्षा, ठीक है, यानी विधि की समान सुरक्षा भी है और विधि के समक्ष समानता भी है, समता भी है। अब दोनों को अच्छे से समझिए, ये दोनों शब्द क्या अलग अलग है, दोनों का अर्थ भैया अलग है, कैसे? अनुच्छेद 14 आपका बोलता है कि राज्य को पूरे भारत संघ में किसी व्यक्ति की समानता नकारनी नहीं चाहिए, यानी कोई भी अगर स्टेट है और वह स्टेट कहीं से भी दूसरे स्टेट का व्यक्ति अगर आया तो वह उस व्यक्ति को समानता को लेकर नकार नहीं सकता, यह अनुच्छेद 14 बोलता है। आगे सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है, अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार सभी को है। दूसरी बात, कानून के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश मूल का है, इसको ध्यान रखिएगा, यह पूछता है, जबकि कानून की समान सुरक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों चीजें आपकी पूछी गई है परीक्षा में, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहला जो इसमें बोला गया कि कानून के समक्ष समानता समता क्या है, इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष सुविधा की कमी, ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति को हर एक सुविधाएं बराबर रूप से दी जाएंगी, यह कानून के समक्ष समता है। दूसरी बात, साधारण कानून या साधारण कानून न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विषय होंगे, यानी हर एक जो कानून होगा उस कानून के तहत ही सारे लोगों पर कार्यवाही होगी, सुनवाई होगी। तीसरी बात, कोई व्यक्ति यानी अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी, कानून के ऊपर नहीं है, मतलब वो कानून से बढ़ के नहीं है, कानून उन पर लागू होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अधिकारी और गैर अधिकारी दोनों बराबर है, नहीं, अधिकारी वर्ग को कुछ विशेष चीजें मिलती हैं, तो वहां पर ये समानता का अधिकार अपने आप में क्या चीजें होती हैं, उलटफेर करती हैं, समझे। दूसरा जो बोला गया, दूसरे में पहली चीज तो हम समझ गए, लेकिन दूसरा कह रहा है क्या कि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया कि कानून के समान सुरक्षा, ये क्या है इसको समझो। कानून के समक्ष जो आपकी सुरक्षा है वो ये कह रहा कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। अगर आप चोरी करके आए हैं, दूसरा भी चोर है, तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां अलग अलग हैं, मतलब एक ही है तो वो आपके साथ दूसरा व्यवहार होगा, उसके साथ दूसरा व्यवहार होगा। अगली चीज, समान कानून के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। और तीसरा यह बोलता कि बिना भेदभाव के वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, ठीक है,
यानी यहां पर जो दूसरा संदर्भ मिला ये तो सभी को एकदम बराबर लाके रख दिया। अब यहां समझो जो पहला वाला है आपका, पहली चीज बोली गई कि कानून के समक्ष समता, वह नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य क्या है, अवसर और न्याय की समानता ही है, मतलब सभी को न्याय पाने के लिए अवसर की समानता मिलनी ही मिलनी चाहिए, समझे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश न्यायवादी जिनका नाम एवी डीसे है, इनका मानना है कि कानून के समक्ष समानता का विचार कानून का नियम के दूसरे तत्व के समान है, मतलब कानून के समक्ष जो समता है यह एक तत्व है, बेसिक एलिमेंट है इनकी जो थ्योरी रही। ब्रिटेन की तरह भारत में भी समानता का नियम ही अनन्य नहीं है, वरन इसके बहुत से विकल्प भी है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बहुत सारे विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे कुछ मुद्दों पर विभेद का प्रतिषेध हम कर सकते, विभेद नहीं हो सकता, प्रतिषेध है इसका। जैसे अनुच्छेद 15 बोलता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर मतभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि राज्य अगर ये देखे कि हमारे राज्य में पैदा हुआ ये उत्तर प्रदेश का निवासी है या उत्तर प्रदेश के बाहर का निवासी, या ये भारत का निवासी नहीं है, अगर ऐसा राज्य कुछ करने लगा कि वह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान को लेकर मतभेद करने लगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 15 उसको प्रोहिबिटेड करता है, प्रतिषेध लगाता है। यानी अब यह जो चीज आई इसमें दो चीज आपको समझनी है, क्या क्या, एक तो मतभेद और दूसरा लिखा है सिर्फ, क्या लिखा है कि राज्य सिर्फ इस आधार पर मतभेद नहीं करेगा। अब दोनों शब्दों का मतलब समझ लो क्या चीजें हैं संविधान में। देखो मतभेद का जो अर्थ है, मतभेद का अर्थ है कि किसी के खिलाफ विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना, मतलब धर्म को लेकर कभी भी राज्य जो है एक के जो है एक को सपोर्ट करके दूसरे को ना सपोर्ट करे, ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या लिखा है, ये मतभेद का अर्थ है। दूसरी चीज सिर्फ जो शब्द आया इसका अर्थ है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है, और इसीलिए कोई कोई राज्य क्या करते हैं कि हमारे यहां नौकरी में सिर्फ हमारे ही क्या होंगे, नागरिक पात्र होंगे, क्योंकि ऐसा करने की उनको क्या मिली है, छूट मिली है। भारत के ही राज्य को देख लो, हमारे यहां कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर हम भारतीय ही नागरिक उस पर नियुक्त हो सकते, ये कुछ के तहत विभेद हम कर सकते हैं। अगली चीज समझिए, अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य या प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतभेद न किए जाने के सामान्य नियम में दो छूट शामिल हैं, क्या क्या, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, इसके लिए राज्य को छूट की गई, राज्य इसके लिए विभेद कर सकता है। दूसरी बात, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकता, यानी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य क्या करेगा, विभेद कर सकता है, ठीक है, यह राज्य को विशेष अधिकार अनुच्छेद 15 देता है। आगे अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 बोलता है। लोक नियोजन यानी मान लीजिए सरकारी कोई भी पद है उस पर आपको नियोजित होना है, अपॉइंटमेंट आपका होना है, अगर आपको अपॉइंट होना है तो ऐसे कोई भी पद होंगे वहां पर समता की बात कही जाती है। नौकरियों में आपको ऐसा मिलता है, आपको पता चलता है कि हम आईएएस में जाएंगे और जनरल के हैं तो हमें 4 अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है, हम एससी एसटी हैं तो हमको अनगिनत भी मिलेगा, ऐसे तमाम चीजें होती हैं। तो आप कहोगे कि ये तो सर गलत है, साफ साफ संविधान में जैसा कहा गया ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 16 ही आरक्षण का जन्मदाता भी है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 16 बोलता है कि रोजगार के मामले में या राज्य सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए समान अवसर की व्यवस्था की गई है, यह बोलता है 16 लेकिन करता नहीं है। किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता के साधारण नियम पर तीन छूटें दी गई हैं, मतलब अवसर की जो समानता है उसमें तीन छूटें राज्य को कैसे कैसे मिलती हैं। पहली चीज ये कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है,
ठीक है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो, दूसरी अधिनियम 1957 में यह आया था, दूसरी बात इसके कुछ ही साल बाद 1974 में समाप्त भी हो गया यह अधिनियम। इस जो है समय आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह सिर्फ अपने जो है क्या करे निवासियों को ही तरजीह दे नौकरी या इन चीजों में। आगे बढ़ते हैं, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता, यहीं पर बताया नहीं कि अनुच्छेद 16 ही आरक्षण का जन्मदाता है, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा करके राज्य क्या कर सकता है, ठीक है, यहां पर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा आरक्षण जो है दे सकता है जिनसे जिन ऐसे वर्गों का जिनका समान प्रतिनिधित्व नहीं है वह भी राज्य में मुख्य धारा में लौट सके। अगली चीज क्या कह रहा, कानून के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, यह अनुच्छेद 16 बोलता है। अब हम बढ़ते हैं मंडल आयोग और उसके परिणाम पर। 16 में ही आपका क्या, चूंकि हमने बताया कि यह किसका जनक है, आरक्षण का जनक है, तो मंडल आयोग किस लिए आया था इसको यहीं पर समझते चलिए। बात थी 1979 की, वर्ष 1979 की बात है, इसमें मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की जो है अध्यक्षता में किया, ठीक है, 1979 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों को पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस तरह संपूर्ण आरक्षण यानी अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का मिलाकर 50% हो गया, ठीक, यह मंडल आयोग के द्वारा किया गया था, 1980 की बात है। अब अगले बढ़ते हैं, 16 के बाद अनुच्छेद 17 की ओर बढ़ते हैं, और अनुच्छेद 17 कहता है कि अनटचबिलिटी, ठीक है, समाप्त तो होनी चाहिए, तो अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता है क्या, छुआछूत को रोकने के लिए यह चीज की गई अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसके प्रयोग पर रोक लगाता है, यानी कहीं पर भी अगर यह चीजें आई तो वो एक पुनिशेबल जो है क्या है, ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है पारित भी हुआ था और इसमें मूलभूत संशोधन किया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया, उसमें इसको संशोधित किया गया और संशोधित करने के बाद एक नया नाम जिसको दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। दूसरी बात, छुआछूत शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। छुआछूत क्या है इसको भारतीय संविधान भी नहीं परिभाषित करता और ना ही यह जो अधिनियम आया इस अधिनियम में भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरी बात, यह अधिनियम अपराध के तहत निम्नलिखित घोषणा करता है, यानी क्या क्या चीजें अपराध में आएंगी, ठीक है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना, यह क्या है, यह अनटचबिलिटी को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, किसी दुकान होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के प्रयोग को प्रतिबंधित अगर कर दिया गया किसी व्यक्ति के लिए तो वो क्या है, अनटचबिलिटी के अंतर्गत आता। तीसरी चीज, अस्पतालों शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में प्रवेश से रोकना, यह भी क्या है, यह भी आपका अनटचबिलिटी के अंतर्गत आता। अब आप कहेंगे कि कुछ विशेष जो है ऐसे आपके क्या बोलते हैं, मतलब शैक्षणिक संस्थान है जिनमें अन्य वर्ग नहीं जा सकते, तो वहां पर क्या चीजें हैं, वहां पर जो विशेष प्रावधान बोले गए हैं उन प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। अगली चीज हम बात करते हैं उपाधियों का अंत की, कोई भी आप उपाधि अपने साथ नहीं लगा सकते। पहले अंग्रेजों में लॉर्ड फला लॉर्ड ये लॉर्ड वो, मतलब तमाम, उससे पहले जब अपने यहां शासन व्यवस्था राजशाही थी तब भी महाराजा अधिराज एक एक पता नहीं क्या क्या नाम होते थे, वो तो जानते ही है, ठीक है, तो उपाधियों के अंत पर भी रोक लगाई गई। कैसे, अनुच्छेद 18 क्या बोलता, उपाधियों का उन्मूलन करता और इस संबंध में चार व्यवस्थाएं करता है अनुच्छेद 18, क्या क्या, यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो। अब यहां पर यह समझना है, यानी सैन्य और शैक्षणिक कोई भी उपाधि को छोड़कर आप अन्य उपाधियों को धारित नहीं करेंगे, यह अनुच्छेद 18 बोलता है। यानी
कोई भी अगर विदेशी लाभ के किसी पद का उपभोग करते हुए बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य से कोई भी पद भी नहीं ले सकता। यह चीज कंपलसरी है। राज्य के तहत किसी लाभ के पद पर आसीन कोई नागरिक या विदेशी कोई अन्य देश से सुविधाएं वेतन भत्ते तब तक नहीं स्वीकार कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति की मंजूरी ना हो। तो यह चीजें कंपलसरी बनाई गई। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों की। अभी तक हमने समता समानता के अधिकारों की बात की, अब हम स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें स्वतंत्रता के अधिकारों की शुरुआत जो होती है अनुच्छेद 19 से होती है। ठीक है, चलिए, इसमें छह अधिकारों का वर्णन किया गया है, छह अधिकारों की रक्षा की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह अधिकार देता है। ठीक है, छह अधिकार की गारंटी देता है। वो कौन कौन से हैं समझिए। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना अधिकारों बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको मिली है। संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार आपको प्राप्त है। भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने का आपको अधिकार है। बस आदिवासी ऐसे इलाके हैं जहां गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर रखा है उनको छोड़ के। अगली चीज, भारत में कहीं भी छोड़ने या बसने का अधिकार है। किसी भी पैसे व्यापारी एवं व्यवसाय करने का आपको अधिकार है। यह छह अधिकार आपको जो है अनुच्छेद 19 के देता है। इनका उपयोग आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। अब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19A जो है इसी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या। तो समझिए, उच्चतम न्यायालय ने बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कहता है कि किसी के विचारों को प्रसारित करने का आपको अधिकार है। मुझे स्वामी विवेकानंद की जीवनी बहुत अच्छी लगती है, उनके विचार बहुत बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो मैं उन विचारों को क्या करता हूं, कहीं भी बोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे उनके विचारों को फैलाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं कहीं भी प्रसारित करूं, यह मेरा मन, यह मुझे अधिकार है। अगली चीज, छापने की स्वतंत्रता है। ठीक है, मुझे कुछ भी जो मेरे मन में अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को हम छाप सकते हैं प्रेस में, अखबारों में। ठीक है, तो छापने का अधिकार यानी प्रेस की स्वतंत्रता। फोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार, मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं तो मेरे फोन को टैप नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जब गतिविधियां बहुत ज्यादा क्या हो, ऐसी हो जिनसे राष्ट्र की रक्षा का सवाल आता है, तो वहां आपके फोन टैप किए जा सकते, सुने जा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज, प्रसारित करने का अधिकार। इसलिए सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत सब कुछ हो गया, कोई वेबसाइट हो गई। ठीक है, ऑनलाइन जो आपके न्यूज चैनल ये सारे होते हैं, मतलब जो मीडिया है ये भी हो गई, ये इन पर सरकार का एकाधिकार नहीं है, ये स्वायत्त तरीके से कार्य करते हैं। अगली चीज, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का आपको अधिकार है कि सरकार इस समय क्या कर रही है, आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते हो। ये तो चीजें आपको मालूम ही है। किसी अखबार कर पूर्व प्रतिबंध के खिलाफ आपको अधिकार है। अगली चीज, राज्य विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, यह भी कहा गया है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है कि भारत की एकता एवं संप्रभुता अगर पर खतरा है तो राज्य प्रतिबंध लगाएगी। दूसरी चीज, राज्य की सुरक्षा को लेकर खतरा है तो राज्य प्रतिबंध लगाएगी। विदेशी राज्यों से दोस्ताना अगर आपके संबंध है तो राज्य आप पर प्रतिबंध लगाएगी। सार्वजनिक आदेश न्यायालय की अवमानना है, किसी अपराध में संलिप्तता है आपकी, तो इन सारी चीजों पर तब क्या किया जा सकता है, आप पर रोक लगा सकती है सरकार। अगली चीज बात करते हैं, 19 का वी है, संगठन की स्वतंत्रता। यानी क्या मैं जो संगठन चाहूं वो बना लूं, है ऐसी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है लेकिन एक लिमिटेशन तक है। क्या किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता इस्तेमाल केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के ही किया जा सकता। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति के भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार कहीं भी शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समिति बनाने का आपको अधिकार है। कोई भी आप समिति बना सकते हो। ठीक है, सभी नागरिकों को संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार है। इसमें शामिल कौन से हैं, आप राजनीतिक दल भी बना सकते हो, कोई भी राजनीतिक दल आपको बनाने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी, साझा फर्म, समिति, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का आपको अधिकार है। उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने,
हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है, यानी हड़ताल आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप हड़ताल करोगे तो आपका क्या होगा, वेतन काटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विचरण की स्वतंत्रता, हम जहां चाहें वहां जाते आते हैं। तो हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में विचरण का अधिकार है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक जगह से दूसरे जगह पर विचरण कर सकता है। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं। क्या? आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा का अगर हित है तो वहां पर क्या किया जाएगा, आपको रोका जा सकता है। इसीलिए जो अपराधी होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है, नजरबंदी कर दी जाती है। यह सारी चीजें किसके तहत आती हैं? यह जब ऐसी चीजें हों कि आपसे लोगों को खतरा है तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या अनुसूचित जाति के जो इलाके हैं वहां पर जाने पर जो है रोका जा सकता है, अनुसूचित जनजाति की जो सुरक्षा के लिए आपको वहां जाने से रोका जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, इसमें व्यवस्था दी है कि किसी अभियुक्त के विचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी अगर कोई अभियुक्त है, ठीक है, और उसके विचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता यानी लोगों में जैसी नैतिकता है उस नाते क्या किया जा सकता, प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगली चीज, निवास का आपको अधिकार मिला है 19 के तहत आर्टिकल, इसमें समझिए हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है, किसी भी हिस्से। अब यहां पर समझना इसके दो भाग है, कौन सा, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। यौम दूसरा क्या बोला कि देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य है वहां घर बनाना यौम अस्थायी रूप से बसना। इन दोनों में अलग अलग चीजें हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, यानी हम जो बिजनेस चाहे वो कर सकते हैं, जो पैसा चाहे वो कर सकते हैं। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पैसा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन चलाने के लिए कमाई से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रभावी होने पर उचित प्रतिबंध लगा भी सकती है, समझे। अगली चीज है, अपराध के लिए दोषी के मामले में भी आपको सुरक्षा मिलती है। अपराध के लिए अगर आप दोषी जो है सुनाए गए तो वहां पर कैसी सुरक्षा होगी, किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कोई कंपनी है या परिषद है, या परिषद का मतलब कोई कानूनी व्यक्ति है, अनुच्छेद 20 फैसले के खिलाफ सुरक्षा उसको प्रदान करेगा। इस दिशा में तीन व्यवस्थाएं हैं अनुच्छेद 20 में, कौन कौन सी है। पहली चीज है कोई पूर्व प्रभाव कानून नहीं, यानी इसको बोलते हैं पोस्ट टेडोला या पास्ट टेडोला, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में दोषी नहीं होगा सिवाय अपराध के कार्य के समय कानून का उल्लंघन करने पर, ठीक है। यानी अपराध जब आपने किया उस समय जिस कानूनों को तोड़ा है आप उसके अंतर्गत दोषी होंगे। दूसरी बात क्या बोलता, दंड का विषय अपराध के कार्य के समय कानून के मामले में अधिक प्रभावी होगा। यानी जो दंड का विषय होगा, जिस आधार पर आपको दंड दिया जा रहा, वह अपराध के कार्य के समय के कानून के मामले में, ठीक है, यानी जब उसने अपराध किया उस समय कौन सा कानून था वह प्रभावी होगा। यह नहीं कि उसमें बदलाव हो गया, नया कानून आ गया तो अब नए कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यह अनुच्छेद 20 बहुत अच्छे से समझिएगा। अगली चीज क्या प्रावधान करता अनुच्छेद 20, दोहरी क्षति नहीं, मतलब एक ही चीज के लिए आपको दो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आप अभियुक्त हैं तब भी, मतलब कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। अगली चीज क्या बोलना, व्यक्तिगत अभियोग नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ आपराधिक मामले में गवाही का अधिकार नहीं है, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, ठीक है, आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है, इस चीज को समझिएगा अनुच्छेद 20 बोलता है। अब हम अनुच्छेद 21 की अगर बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपकी, अनुच्छेद 21 में यह घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति सिवा कानूनी प्रक्रिया के अपने जीवन या व्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई और सुसाइड कर लिया और बच गए तो पहले तो घर वाले कूटेंगे, घर वालों से जब आप बचोगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी और वो कूटेगी, क्यों, क्योंकि आप जो है अपने आप को मार नहीं सकते हो, आपको अधिकार नहीं है,
जीने का अधिकार है लेकिन मरने का नहीं। अब बहुत क्रिटिकली कंडीशन में यह मंजूरी दी गई है, जब सारे डॉक्टर सब कुछ बोल दें ठीक है कि यह व्यक्ति नहीं बच सकता, एकदम सारी चीजें हैं, वहां पर जो है उसको अब जो है मृत्युदंड देने के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल केसेस है, मतलब आप मान भी नहीं सकते हो ठीक है। तो भारत में जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। आपने सुसाइड किया तो कूटे जाओगे बचने पर, इसलिए ऐसे विचारों को नहीं लाना है। अगली चीज, अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल उचित कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया पर भी उपलब्ध होगी। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले, यह पूछा भी है, में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है, क्या क्या? मानवीय सम्मान के साथ जीने का हमें अधिकार है, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर हम पर दोषारोपण करता है तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, साफ पर्यावरण, प्रदूषण रहित पानी एवं हवा में जीने का हमें अधिकार है। अगर ऐसी चीजें नहीं हो रही तो हम सरकार के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। आपको सही से बिजली नहीं मिल रही, रात में लाइट कट रही, आपके सोने में विघ्न हो रहा, यह सब क्या चीजें हैं? यह सब चीजें आपके क्या है, जीने के अधिकार में दखल दे रही है, और इस तहत आप क्या कर सकते हैं, आप मुकदमा कर सकते हैं। अगली चीज, निजात का अधिकार, निजता का अधिकार है। अगर मैं प्राइवेसी चाहता हूं तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, यह भी क्या है, यह आपको आर्टिकल 21 देता है, राइट टू प्राइवेसी जो भी हाल ही में आया, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपकी है, यानी आपको निजता का अधिकार है, आपकी प्राइवेसी में किसी को दखलंदाजी का अधिकार नहीं है। अगली चीज, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र की जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया, निःशुल्क कानूनी सहायता का आपको अधिकार है, और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आपको अधिकार है, देर से कार्य के विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है। कोई कंपनी आपको देर तक कार्य नहीं करवा सकती ठीक है, कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 20 घंटे आपसे काम लगे, ऐसा नहीं करवा सकती, क्योंकि यह सब कुछ आपको आर्टिकल 21 के तहत जीने के तहत आपको मिले हुए अधिकार है। समझ गए, बहुत अच्छे से जान लीजिए। इसीलिए पब्लिक प्लेस में अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, भले ही वो अपने आप को नुकसान दे रहा, लेकिन उसके धुएं की वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता और आप उस व्यक्ति पर मुकदमा कर सकते हैं ठीक है, तो वहां पर वो मुकदमा क्या होगा, आपका मान्य भी होगा। तो इससे आगे जो है, अभी 21 पढ़ लिए हम, 22 से लेकर 35 तक कल देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है, बहुत डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए इसको पढ़ लेना तो कभी भी जिंदगी में और चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। तो फिर आगे मिलते हैं, तब तक मस्त होकर पढ़िए, धन्यवाद।